सदानंद शेट्टी पुणे। ये मूवी स्लम के लोगों के बारे में, जो स्लम में जीते लोग हैं, जो स्लम पे उनके हालात से गुजरते हैं, उनके जीवन पे स्लम की मूवी है। 21 साल का ये प्रयास है, जो यात्रा मैंने 21 साल नज़दीक से किया, कोर्ट मैटर तक, नीचे से लेके कॉरपोरेशन, नगर पालिका से लेके कॉरपोरेशन, कोर्ट से अपील करके जो जीत किया, उसको 21 साल का प्रयास है, क्योंकि ये मेरे जीवन की रियल स्टोरी है। सेफ्टी होकर बात करें, सेफ्टी और मुंबई में बार ना दिखाएं ऐसा हो नहीं सकता, कहीं ना कहीं इसलिए बार का जिक्र होगा। अतुल जी भी बार का ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा नॉर्मल जो दिखाना है वो दिखाए है, जो सुनील जी ने किया है, थोड़ा इलेक्शन रिलेशन में रहता है, जो एंजॉयमेंट रहता है, वैसे वो थोड़ा थोड़ा है उसमें दिखाया है। नहीं, बार के बारे में ऐसा कोई नहीं है, लेकिन पिए हुए लोग दिखाए हैं। अतुल जी एक अच्छा कैरेक्टर है, और हम लोगों ने जो स्क्रिप्ट इनको दिखाया, रघुवीर जी रहेंगे, सुनील पाल जी रहेंगे, अतुल जी रहेंगे, अशोक समर, सभी लोगों ने कि इसमें फाइनल कर दिया कि कुछ हटके स्टोरी है, कि जो हमेशा उनके कैरेक्टर में काम करते, लेकिन ये कोई अलग ही स्टोरी है स्लम के जीवन मारे के अंदर। सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हम लोग काम करेंगे इसमें। इस वजह से ये देश भर ले जाने का प्रयास है मेरा, कि इसकी स्टोरी देश में एक तृतीयांश भाग जो स्लम में आता है, उन लोगों के जिंदगी के बारे में, जीवन के बारे में, घर के बारे में, परिस्थिति के बारे में थोड़ी जानने चाहिए पिक्चर से। ये सारे जो है महाराष्ट्र में स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी जो हुआ है, इसके बारे में ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं। इस फिल्म के जरिए लोगों को मालूम पड़ेगा SRA बोलो तो क्या है। मैं मेन कैरेक्टर ही हूँ, जाके ये रियल स्टोरी जब मैं बताता हूँ तो इसको पूरा स्टोरी दिखाने में, करने में मुझे कोई मुश्किलें नहीं आई,